आपको भी एक ईश्वर को मानने का आदेश दिया गया था, एकम अकायम, वो एक ही, उसकी तो कोई काया नहीं है। होती है ना सैयद अस्कर जी, सबके धर्म अलग है। आपका इस्लाम कुछ और कहता है, सनातन कुछ और कहता है। नहीं मैम, मेरी बात सुनिए, आपने बहुत अच्छी बात कह दी। क्या ये पॉसिबल है कि कालों का ईश्वर कोई हो, गोरों का ईश्वर कोई हो, मुस्लिम का ईश्वर कोई हो, हिंदू और सिख का ईश्वर कोई हो? कदापि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ईश्वर कालांतर में महाराज मनु को भेज दे और कहे जो इसको मानेगा उसकी मुक्ति होगी, और वही ईश्वर दूसरे समय में जीसस को भेज दे और कहे इसको मानेगा उसकी मुक्ति होगी, और वही ईश्वर तीसरे समय में मोहम्मद साहब को भेज दे कि जो इसको मानेगा। ऐसा नहीं होता मैम, हम सब एक ही माता पिता की संतान है। नबी नबी का मतलब ईश्वर नहीं होता, नबी का मतलब ईश्वर नहीं होता मैम, हम सब माता पिता की संतान है। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, हम जी, हम सब नहीं, ईश्वर नहीं कहते, वो ईश्वर का बेटा कहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम सब एक ही माता पिता की संतान है, और रामायण की एक चौपाई में आपके ज्ञान के लिए यहाँ पर बताना चाहूंगा कि संयम भू मनु अरुषत रूपा जिने ते भे नर सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गांव श्रुति जिन्हें के लिखा। रामायण की चौपाई है जिसके अंदर ये कहा गया कि संयम भू मनु अरुषत रूपा जिने ते भे नर सृष्टि अनुपा, कि हम सब संयम भू मनु आदम और उसकी पत्नी शत्रुपा स्वरूप वाली उसकी संतान है, कि जितने भी नर मादा दुनिया में बैठे हुए सब उसी माता पिता के संतान है। जन्म मनुजाते सब लोग मनु की संतान है, मेरा इस पर विश्वास है। और वो दंपति धर्म आचरण निका, उस दंपति का धर्म और आचरण बहुत ही निका था, अजहु गांव श्रुति जिन्हें के लिखा, कि जिसकी श्रुति जिनका गुणगान आज भी किया जाता है। मैम आप मेरी माँ जाई बहन है, और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब मेरे भाई हैं। हम कालांतर में सब बिछड़ गए वो बात अलग है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक ईश्वर अच्छा एक समय में एक ईश्वर को मानने का आदेश दे। देखकर सनातन में काफी अच्छा लगा।